दोस्तों सो क्या करना है, देखिए अभी मैंने कहा कि आपको सीरियस नहीं बनना है. You do not need to become serious. You need to have money consciousness and money opportunity consciousness. Okay? आपके पास एक मिनट. आपको क्या होना है, मनी कॉन्शियस होना है और आपको अपॉर्चुनिटी कॉन्शियस होना है. What do you mean by money consciousness? Okay? Money consciousness का मतलब है कि पैसा नहीं आ रहा, पैसा कैसे आएगा, बहुत पैसा चाहिए. ये मनी कॉन्शियसनेस नहीं है, ये पावर्टी कॉन्शियसनेस है. ऑलराइट, किसको? पावर्टी यानी गरीबी की कॉन्शियसनेस है ये. हमें क्या करना है, पैसा बनाना है तो हमें क्या होना चाहिए, हमें मनी कॉन्शियस होना पड़ेगा. हमें पावर्टी कॉन्शियस नहीं, मनी कॉन्शियस होना पड़ेगा. पावर्टी यानी गरीबी की कॉन्शियसनेस हमारे अंदर है, उसको हटाना पड़ेगा, इसको बिल्कुल लाइन मारना पड़ेगा. क्योंकि जब आप बार बार बोल रहे हो अरे यार पैसा ही नहीं है, पैसा चाहिए, और यू आर रियली नॉट मनी फोकस्ड. मनी फोकस्ड क्या होता है? मनी फोकस्ड वो आदमी होता है जो कहता है यार अच्छा पैसा कहां से आएगा. ओके, पैसा आने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, पैसा लाने के लिए. एम आई राइट? वेल्थ क्रिएट करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा. चाहे आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम करो, चाहे आप कुछ नया सीखो, चाहे आप कुछ नया पढ़ो, चाहे आप कुछ अलग, कुछ तो अलग करना पड़ेगा. इन्वेस्टमेंट करो, कुछ प्रॉपर्टी लो, कुछ तो करना पड़ेगा. आप कुछ कर भी नहीं रहे और पैसा चाहिए, पैसा कैसे लाऊं. और फिर हर आदमी आता है बोलता है सर मिलियन कैसे कमाऊं, ट्रिलियन कैसे कमाऊं. अरे भाई नहीं होगा ऐसे. बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, मनी कॉन्शियसनेस होना पड़ेगा. मनी कहां से आएगा? मुझे आज 100 रुपए कमाना है, 100 रुपए कमाने के लिए मैं क्या करूं? आज अगर मुझे 100 रुपए कमाना है, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे कि मैं दिन में मेहनत करके 100 रुपए कमा लूं? या कोई इंटरनेट का ऐसा तरीका है कि कहीं पे मैं कोई रिव्यू डाल के 100 रुपए कमा लूं? या कोई ऐसा तरीका है कि मैं यूट्यूब पे एक वीडियो बना के कमा लूं? तो मनी कॉन्शियसनेस का मतलब है मनी पे सिर्फ एक बार सोच लिया कि मुझे इतना पैसा चाहिए 5,000, और फिर भूल गए और दिन रात आपका फोकस है अब क्या करूं कि 5,000 आए. यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट मनी चाहिए. यू आर टॉकिंग अबाउट कौन सी अपॉर्चुनिटी चाहिए, कौन सी अपॉर्चुनिटी से आएगा. मनी कॉन्शियसनेस यानी मनी के बारे में अवेयरनेस. मनी कैसे आता है उस पर दिमाग लगाना, मनी पे दिमाग नहीं लगाना. मनी तो आएगा ही, फॉर्मूला सिंपल है. आपने कहीं पे एक महीना नौकरी की तो आपको सैलरी मिल ही जाएगी, जो भी आपकी सैलरी तय हुई है. ये तो 101% फॉर्मूला है. अगर आप यूट्यूब पे 5,000 सब्सक्राइबर ले आते हो तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन हो ही जाएगा और उस पर यूट्यूब ऐड देने लगेगा, और जब यूट्यूब उस पर ऐड देने लगेगा तो आपको उसका पैसा मिलने लगेगा. ये तो फॉर्मूला है, लेकिन कितना पैसा मिलेगा उस पर फोकस नहीं करना है. हमें फोकस करना है, हमें तो ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए. तो मनी कॉन्शियस एंड मनी के साथ साथ अपॉर्चुनिटी कॉन्शियस. इस दुनिया में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिससे कि मैं अभी पैसा कमा सकता हूं? मेरे को अगले एक साल में 10 करोड़ रुपया चाहिए, 100 करोड़ रुपया चाहिए, 50 करोड़ रुपया चाहिए. व्हाट कैन वी डू? एंड लिटरली जब से ये वर्कशॉप चालू किया है ना दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूं. और यू नो व्हाई मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूं? आपको असली रीजन बताता हूं. असली रीजन ये है ताकि मैं और मेरी टीम हाईली वेल्थ कॉन्शियस हो जाए, ताकि हम लोग हाईली वेल्थ कॉन्शियस हो जाए. लेकिन मेरा मकसद ये है कि जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं और मेरी टीम मनी कॉन्शियस हो रहे हैं. और आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बता दूँ, पिछले 5 दिनों में हम लोगों ने इतने आइडियाज जनरेट किए हैं और माई फुल टीम्स एनर्जी विच वॉज हियर इट हैज गॉन टू दिस लेवल एंड वेरी हाई. अभी हम सब लोग ऐसे फायर ब्रिगेड बन गए हैं, मतलब फायर ब्रिगेड क्या, फायर बन गए हैं, पुष्पा हो गए हम लोग. यू नो फायर, यू नो फूल समझा गया, फ्लावर समझी क्या, हम तो फायर निकले. तो हम सब फायर बन गए अभी, क्योंकि अब हम लोग हो रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉन्शियस, मनी कॉन्शियस. और हमने देखा कि हमारे तर्कश में इतने तीर और इतने अस्त्र और इतने शस्त्र और इतने ब्रह्मास्त्र है जो हमने आज से पहले चलाए नहीं. एंड यू नो टीम, अभी हम इस साल करीब 15 करोड़ के आसपास हमने टच किया है ऑलमोस्ट. यू नो वॉट, हमारे पास इतने तर्कश में तीर निकले पिछले 5 दिनों के अंदर कि हम 15 करोड़ के लिए तो मैं एक भी दिन ढंग से ये खड़ा होकर डिलीवरी ना करूं तो भी आ जाएगा 15 करोड़. इतना पावर हमारी टीम ने जनरेट कर दिया पिछले 5 दिनों के अंदर. आप कहोगे सर आई यू मैड? दोस्तों मैं मैड नहीं हूं. अगले 3 महीने मेरे को और मेरी टीम को ना कंप्लीट, पहले तो हमारा अगले पिछले 3 महीने का एनालिसिस कर लीजिए सोशल मीडिया वगैरह से, और अगले 3 महीने का एनालिसिस मेरा कर लीजिएगा. आई अश्योर यू, यू विल सी थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविटीज हैपनिंग एंड वी आर ऑल लाइक बबलिंग विद सो मच ऑफ एनर्जी. आज मैं ऑफिस आऊंगा करीब 12:30 बजे दोपहर में,
तब से नॉन स्टॉप चल रहा है, और एनर्जी है जो रुकने का नाम ही नहीं लेगी, क्योंकि वी आर वेरी वेरी पावरफुल, मनी कॉन्शियस एंड अपॉर्चुनिटी कॉन्शियस। हमें पता है अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, ये भी अपॉर्चुनिटी है, यूट्यूब भी अपॉर्चुनिटी है। मनी कॉन्शियस का मतलब है मनी कहां से आ सकता है, अपॉर्चुनिटी कॉन्शियस का मतलब है कौन सी अपॉर्चुनिटी की तरफ जंप लगाऊं कि मुझे डबल मिले। लेकिन हम क्या करते हैं, 99% अपॉर्चुनिटी की तरफ जाते नहीं है, क्योंकि एवरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यू सम मनी। आपको अपॉर्चुनिटी है कि दुबई में कोई एक्सपो हो रहा है, वो जाके आप अटेंड करो पहले, लेकिन वहां तक जाने का आपको, यहां तक है कि कोई दोस्त कह रहा है भाई तू आ यहां से, तेरे को 1000 ideas मिलेंगे, उन 1000 ideas से तू कमा सकता है। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली, एक एवरेज फैमिली, एक साधारण इंसान जाएगा ही नहीं दुबई एक्सपो। वो बोलेगा कि यार बॉस नहीं, आई एम सो फॉर्चुनेट दोस्तों, मेरे फादर शुरू हुए जब मैं छोटा था तब दिल्ली में काम करते थे और आते जाते रहते थे दिल्ली से। वो हमें जब हम छोटे थे, आई थिंक वी वर हार्डली 12 years, 13 years, और गांव से उठे हुए थे हम लोग, तो पापा आके बताते थे प्रगति मैदान जाओ, एग्जीबिशन देखने के लिए जाओ, हर साल एग्जीबिशन देखने के लिए जाना है। अच्छा, जा नहीं पाए क्योंकि पैसा नहीं था, वो बात अलग थी, लेकिन आइडिया हमेशा मिलता रहता, अरे बेटा ऐसी ऐसी चीजें आती है, ऐसे ऐसे, ये अभी ट्रेड शो चल रहा है, अभी ट्रेड फेयर चल रहा है, अभी होटल्स का चल रहा है, अभी उसका चल रहा है। एंड यू नो वॉट, उस सपने से पता है क्या हुआ, दिल्ली की एग्जीबिशन तो मैंने बहुत लेट जाके, जब मैं कॉलेज में आ गया और उसके बाद पहली बार दिल्ली गया तब मैंने जाके एक एग्जीबिशन देखी, लेकिन उसका सबसे बड़ा पावर ये हुआ कि आज से करीब 3-4 साल पहले दिल्ली में उसी प्रगति मैदान में बुक्स की एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन चल रही थी, एंड आई वॉज ए स्पीकर ओवर देयर। देखिए क्या हो गया, यहाँ से वो अपॉर्चुनिटी कॉन्शियस जब बचपन से कोई आदमी बच्चा हो गया तो कहीं ना कहीं उसके सारे गोल्स वो मटीरियलाइज होने लग गए। मेरे तो बचपन से जितने गोल्स मेरे फादर ने मुझे दिखाए ना, उन्होंने ऐसे कैजुअल कॉन्वर्सेशन किया, एंड वो बड़े रिच मेंटालिटी के आदमी थे। वो जब भी दिल्ली जाते थे, मैं पहली बार जब मैं दिल्ली गया तो वो मुझे कोई लाल किला घुमाने के लिए नहीं लेके गए, ना मैंने जामा मस्जिद देखी, ना लाल किला देखा, ना इंडिया गेट देखा, ना कुछ देखा। मैंने पता क्या देखा, सबसे पहले वो मुझे 5-star hotel में घुमाने लेके गए, एंड वी डिड नॉट हैव मनी एट दैट टाइम टू अफोर्ड अ टी, कप ऑफ टी और कॉफी ओवर देयर, लेकिन ही सेड घूम के आते। उन्होंने होटल के रिसेप्शन पे जाके उनसे की वगैरह मांग के मुझे पूरे रूम्स वगैरह दिखाए, और आज लाइफ ऐसी हो गई है कि हर रोज 5-star hotel में रह सकते हैं और रहते हैं। 5-star hotel में हमारे प्रोग्राम्स होते हैं 3-4 दिन के रेजिडेंशियल, एंड इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ, अब इट इज नॉट अ बिग थिंग। दोस्तों अपॉर्चुनिटी कॉन्शियस, मनी कॉन्शियस। अब मैं आपको बोलूं कि अगर आपको मनी कॉन्शियस होना है एंड यू रियली वॉन्ट टू अट्रैक्ट दैट 5-star life, गो and visit 5-star hotel every month and have a cup of coffee over there, at least sit over there for half an hour. आप में से 99% लोग नहीं करेंगे। आप कहेंगे, oh, it's so much of the money, every month 500 रुपए की कॉफी, how is it possible? अच्छा, जो आप में से रिच हैं ऑलरेडी, जिनके पास सक्षम है 500 रुपए खर्च करने का कॉफी में, वो लोग तो ठीक है, चलो कर लेंगे, BSR ने कहा है। लेकिन जो लोग इस समय जिनके लिए लग रहा है 500 रुपए, वो लोग नहीं करेंगे। दोस्तों यहां पे एक चीज ध्यान रखिए, मनी कॉन्शियस बनने का मतलब है जब आप उस 5-star environment में, उस होटल में बैठे हैं और यहां पे आप बैठे हैं, उसकी जो एनर्जी, उसकी जो वाइब्रेशन चारों तरफ से आपके पास आ रही है ना, दैट्स समथिंग इनक्रेडिबल। उस वाइब्रेशन को भी अगर आप पचा पाए थोड़ी देर, एक दिन वहां जाके बैठ पाए और कंफर्टेबल हो पाए, दूसरे दिन और कंफर्टेबल, तीसरे दिन, 10वें दिन, तो आपका माइंड कहेगा अब लाइफ यही चाहिए मुझे, एंड वो लाइफ आपकी लाइफ में आ जाएगी 5 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद, यू नो इट इज पॉसिबल। वो छोटा नुस्खा बता रहा हूं, उधर जाके ज्यादा पैसा खर्च होता है, चाय भी नहीं है ना, टपरी पे पियेंगे, टपरी की चाय बहुत अच्छी होती है, आई लव इट। लेकिन दोस्तों टपरी पे तब बैठना है जब हम 5-star में बैठने की रोज की औकात डेवलप कर सके, उसके बाद हम टपरी पे रोज बैठेंगे। अब हमारे पास चॉइस है कि टपरी पे बैठो चाहे हम 5-star में बैठे, लेकिन तब तक हमें रोज काम करना है, तब तक हमें ये मनी कॉन्शियसनेस को हाईएस्ट लेवल पे लेके जाना है। अपॉर्चुनिटी कॉन्शियस, हजारों अपॉर्चुनिटीज रोज आ रही है और लोग छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2000 रुपए देने को तैयार नहीं है, 5000 देने को तैयार नहीं है। भाई यूट्यूब एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है, हमारा यूट्यूब का कोर्स आप ले लो। लेकिन आप, मैंने ये बोल दिया ना, हमारा ये यूट्यूब का कोर्स ले लो, इतनी देर में तो आधे लोगों के आग लग जाएगी, देखा इसने बेचा। अपॉर्चुनिटी कॉन्शियसनेस, तुम्हारा यूट्यूब तुम्हारा वेट कर रहा है, लेकिन तुम्हें लेना नहीं है, क्योंकि तुम्हें न तो मुझे सीखने के लिए पैसा देना है, न तुम्हें किसी और को सीखने के लिए पैसा देना है, और तुम तो जवाई की तरह बिहेव कर रहे हो कि भाई भूपेंद्र सिंह राठौड़ ये 11 दिन का प्रोग्राम भी फ्री सिखाए, यूट्यूब भी फ्री सिखाए, भाई हम मेरे जवाई हो क्या यार, नहीं होना, मेरे भाई हो क्या, नहीं होना, मेरे भाई को फ्री में सिखाऊंगा। ओके,
लेकिन आपको नहीं सिखाऊंगा क्योंकि आप मेरे भाई नहीं हो, आपने मेरी लाइफ में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। मेरे भाई ने बचपन से मेरी लाइफ में इन्वेस्टमेंट किया है, ओके, उसने मेरी लाइफ को एक्सपीरियंस दिए हैं, उसने मेरे को बहुत सारी हंसी के माहौल दिए हैं, मोमेंट्स दिए हैं, उसने इन्वेस्ट किया है मेरी लाइफ में, उसके लिए फ्री बनता है, आपके लिए नहीं बनता है। आपने अभी तक मेरी लाइफ में कोई खास इन्वेस्ट नहीं किया। और आज मैं अगर आपको बोलूं ये अपॉर्चुनिटी है, इंस्टाग्राम से पैसा कमाना अपॉर्चुनिटी है, मैं नहीं सिखा रहा हूं अभी, आप किसी और से जाके सीखिए, ओके, जो इंस्टाग्राम से। लेकिन आप कहोगे ये मैं अभी नहीं सीखूंगा, अपॉर्चुनिटी कॉन्शियस, आज के जमाने में आप लाख दो लाख रुपए के लिए परेशान हो रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है। कई लोग आते हैं मेरे वर्कशॉप में, बोलते हैं सर 3 लाख का लोन है, मुझे लगता है इतना छोटा लोन है, क्योंकि आज का जो जमाना है वहां पे लाखों करोड़ों बनाना बहुत आसान है। मैंने तो अपने ट्रेनिंग के फील्ड में, मैं आपको बताता हूं, मैं 2010 में ट्रेनिंग के फील्ड में आया, उसके 3-4 साल पहले से मैं ट्रेनर से मिलता था। उस समय 2010 में मुझे जितने भी ट्रेनर मिले ना, वो सारे हमसे शेयर करते थे कि भाई हम लोग महीने का 5 लाख कमा लेते हैं, हम लोग महीने का 3 लाख कमा लेते हैं, हम लोग महीने का 2 लाख कमा लेते हैं। ये मेरे उस समय के ट्रेनर्स की बात है, और उस समय हमें लगता था और ये महीने का 2 लाख कमा लेते हैं, ये महीने का 5 लाख कमा लेते हैं, इट वॉज लाइक दैट। आज की डेट में मैं जितने भी अच्छे, आज ही मैंने मेरे एक अजीज मित्र हैं सुधीर कोवे जी, उनका इंटरव्यू लिया, उस इंसान ने पिछले 2 सालों के अंदर 5 करोड़ रुपए कमाए। इसके पहले 2-3 दिन पहले, ओके, मैंने दीपक और निशा हमारे और एक ट्रेनिंग क्लाइंट हैं, उनका इंटरव्यू लिया, उन दोनों भाई बहन ने मिलकर 2.5 सालों के अंदर 2.5 ईयर्स के अंदर 3 करोड़ रुपीज कमाया। ओके, आज हम जिन ट्रेनर से मिल रहे हैं, चाहे वो यंगस्टर्स क्या है, 2-2, 3-3 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग भी 8-8, 10-10 करोड़, 3-3 करोड़, 2-2 करोड़, 1-1 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ के नीचे कोई बात ही नहीं कर रहा, इससे कम कोई कमा ही नहीं रहा है, अच्छे ट्रेनर्स। ओके, अच्छे ट्रेनर का मतलब जो लिटरली इस फील्ड में जान डाल रहे हैं, जो लिटरली इस फील्ड में हमारी तरह काम कर रहे हैं कि भाई यहां दिन रात अब यही फील्ड है, सारे रास्ते बंद, इसी से काम करना है हमें, वो ट्रेनर आराम से 1-2 करोड़, 3 करोड़ तक पहुंच पा रहे हैं। और जो रास्ते खुले इधर थोड़े दिन करते हैं, फिर इधर से इधर निकल जाएंगे, फिर इधर चले जाएंगे, वो लोग नहीं कमा पा रहे, वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मनी कॉन्शियस एंड अपॉर्चुनिटी कॉन्शियस, आज की डेट में 1-2 करोड़, 3 करोड़ कमाना है इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, उसी आदमी के लिए डिफिकल्ट है जो गरीब मानसिकता का शिकार है, गरीब मेंटालिटी। पैसा जाए नहीं, चमड़ी चली जाए भाई, दमड़ी नहीं जानी चाहिए। अरे भाई दमड़ी को लेके मरेगा क्या, मतलब सिंपल सी बात है, पैसा तो जाना ही पड़ेगा, पैसा खर्च किए बिना घर अच्छा बनेगा नहीं, पैसा खर्च किए बिना गाड़ी अपग्रेड होगी नहीं, पैसा खर्च किए बिना माइंड सेट अपग्रेड होगा नहीं, और माइंड सेट अपग्रेड नहीं हुआ तो जिंदगी में पैसा अपग्रेड होगा नहीं। जिसको समझ में आ जाए बहुत बढ़िया है, जिसको नहीं समझ में आया भगवान उनको सदबुद्धि दे, इस जन्म में ही दे तो ज्यादा अच्छा है।